Hello students, this is question number 5 from exercise 7.1 of NCERT class 10. In this question, we are given that in a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think A, B, C, D is square?" Chameli disagrees. Using distance formula, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो देखिए आपके पास जो 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मतलब फ्रेंड हैं, वो ए बी सी डी इन पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आपको सभी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। जैसे ये देखो, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप देखो, एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया क्योंकि ये अगर ये 0,0 मतलब ऑरिजिन है तो ये एक्स पर देखो 3 डिस्टेंस चल रहा है और वाई पर 4 डिस्टेंस मिलकर आया होगा तो ये 3,4 हो जाएगा। इसी तरीके से बी पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये एक्स पर तो देखो 6 पॉइंट चलकर आया होगा और वाई पर अगर आप 7 पॉइंट चले होंगे ऊपर की तरफ तब आपके पास आया होगा। अब इसी तरीके से सी पर देखोगे तो सी पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट 9 होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट 4 होना चाहिए तो ये 9,4 हो गया। और डी का एक्स कोऑर्डिनेट देखिए 6 होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखो 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट तो ज्ञात कर लिए। अब यहां पर आपको ये पता करना है कि क्या एबीसीडी एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब आपको सभी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि स्क्वायर में आपके पास चारों लेंथ इक्वल होनी चाहिए तथा डायगोनल की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए क्योंकि चारों लेंथ इक्वल तो रोम्बस में भी होती हैं। इसलिए अब फिर बाद में आप डायगोनल की लेंथ भी निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो यहां पर हम इनकी साइड के बीच में लेंथ निकाल लेते हैं, मतलब पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो देखो ए बी आपके पास आ जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो देखो ये आ गया आपके पास 9 + 9 मतलब √18 या आप लिख सकते हैं 3 √2। तो आपने देखो ए बी निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम बी सी निकाल लेते हैं। तो देखो बी सी अगर आप निकालोगे तो आएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो देखो ये भी आपके पास आ गया 9 + 9 मतलब √18 जिसको आप 3 √2 लिख सकते हो। अब इसी तरीके से सी डी भी निकाल देते हैं, मीन्स सी और डी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो देखो ये आ जाएगी 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी देखिए अंडर रूट में 9 + 9 आ जाएगी अर्थात 3 √2। अब उसके बाद आप ए डी भी निकालोगे मतलब चौथी वाली डिस्टेंस। तो ये देखो आपके पास आ जाएगी 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये आपके पास √9 + 9 ही आया अर्थात 3 √2 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा चारों डिस्टेंस बराबर आ रही हैं। अब चारों डिस्टेंस जब भी बराबर आएंगी तो आप तुरंत एकदम ना बोल दें कि वो एक स्क्वायर होगा क्योंकि चारों डिस्टेंस रोम्बस की भी बराबर होती हैं। तो अब रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ती है। डायगोनल की दोनों लेंथ जो होती है, डायगोनल की जो दोनों लेंथ आती हैं वो बराबर आती है जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। तो अब देखो आपके पास यदि ए बी सी डी आप एक स्क्वायर बनाओगे तो 2 डायगोनल बनने ए सी और बी डी। तो चलिए सबसे पहले हम ए सी की लेंथ निकाल लेते हैं। ए सी मतलब ए और सी के बीच की डिस्टेंस। तो देखो ये आ जाएगी 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए यह आ जाएगा अंडर रूट में 9 + 0 मतलब 3। तो AC के बीच की लेंथ आपने निकाली 3 आ गई। अब इसी तरीके से आप BD के बीच की लेंथ निकाल लो। तो BD मतलब B और D पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो B ये है, D ये है। तो ये आ गया 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर आपके पास यहां पर आ जाएगा। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में, देखो ये तो कट जाएगा तो ये 36 आया मतलब 6 आ गया। एक बात आप यहां ध्यान दें, AC जब निकाल रहे हो तो 3 - 9 आएगा यहां पर आपके पास 6 के बजाय। तो इस तरीके से यहां पर देखो 9 आ जाएगा। 3 - 9 का होल स्क्वायर होगा तो ये 36 + 0 मतलब ये 6 आ गया। तो आपने देखा कि चारों लेंथ भी इक्वल आ रही हैं और डायगोनल की लेंथ भी देखो आपके पास 2 डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल आ रहे हैं। इसलिए अब आप बोल सकते हैं कि ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर हो जाएगा। अब लेकिन आपको तो ये बताना है कि कौन इसमें से सही था। तो देखिए यहां पर चंपा ने चमेली से पूछा था कि क्या ABCD स्क्वायर बन रहा है। चमेली ने डिसएग्री किया था, मतलब चमेली ने मना किया था, तो इसका मतलब चंपा इज करेक्ट वाइल चमेली इज इनकरेक्ट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चंपा इज करेक्ट।